वैसे तो हम जा रहे हैं उदयपुर, लेकिन हमें पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, अभी बज रहे रात के 12:15 और हम हैं अभी गांधीनगर में। हम जाने वाले हैं उदयपुर। गांधीनगर से उदयपुर का रास्ता अराउंड 250 किलोमीटर का है और हमने जो कार रेंट पे ली है वो शायद 30 मिनट या एक घंटे में आने वाली होगी। और इसी के साथ हम इस सफ़र को और इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। सफ़र के लिए सारी पैकिंग तो हो चुकी है, बट अभी वेटिंग सिर्फ कार की है। जब भी आए तब निकल जाते हैं। दोस्तों अभी हमें उदयपुर हाईवे पे और यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर दूर है उदयपुर से, जो कि हम 1.5 आवर में पहुँच जाएंगे। और सब अपनी जगह टिका कर बैठे हैं, यहाँ आप देख सकते हो। आप कुछ रिव्यू देना चाहते हैं? यहाँ पर आया तो गुजरात से पेट्रोल भर के आना, यहाँ पेट्रोल का भाव 2 रुपये है। आप कुछ कहना अगर आप आना चाहते हो तो हिम्मत नगर सांभलाजी हाईवे से आना, क्योंकि विजयनगर हाईवे वो बहुत ख़राब है और वहाँ पे टाइम भी आपका ज़्यादा लग जाएगा। तो बेटर है कि आप हिम्मत नगर शामलाजी हाईवे से आए। केयूर, आप कुछ कहना चाहते हो? यहाँ पे ये रास्ता शामलाजी वाला मक्खन जैसा है, हाथ में थेपले लेके आना तो चोपड़ते खाके खाके जाना तो अच्छा लगता है। चाचा जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? सही है चाचा। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही उदयपुर में। हेलो, फाइनली उदयपुर में पहुंचे हुए। Thank you.
होटल में चेक इन किया है अराउंड 10 AM. मैं तो तैयार होकर बैठ गया, बट ये सब अभी रेडी हो रहा है. और जैसे ही रेडी होते हम उदयपुर की सिटी टूर करने चले जाते हैं, जैसे कि सिटी पैलेस हो गया, सज्जनगढ़ और लेक, जो हम शाम को ही देखने वाले हो. बट जैसे भी रूट आते हैं मैं इस वीडियो में आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सब रेडी हो चुके हैं, अब जाने की तैयारी है. चलिए निकलते हैं. All set guys. चलो गाइस ट्रैवलिंग.
गाइस अब हम जाते हैं यहाँ पे सिटी पैलेस उदयपुर, जो यहाँ का फेमस है और सभी चाहते हैं यहाँ पे उदयपुर में आके जाने का। तो अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस की तरफ। होटल तो सोचे नहीं थी, हम चलो हम आपको भी दिखाते हैं। और आप कुछ कहना चाहते हो यहाँ पे? यहाँ पे टाट बहुत है, आप आते हो तो वो पूरा ऐसे जैकेट वैकेट लेके पेट्रोल 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 तोड़ू रुपये 93 ऐसे गुजरात गुजरात से राजस्थान आओ तो टंकी भर के आना। और बेस्ट ऑप्शन है आपका सीएनजी लेके आना, जितना चले उतना सीएनजी खींच डालने का, खींच डालने फिर उसको पेट्रोल में ला के फिर दौड़ाने का गाड़ा, तो पिकअप थोड़ा एवरेज भी रहेगा और खींच में बजट भी अच्छा आएगा। ऐसा पग में मोजा जरूर पहनना वरना टाट में ठहर जाएगी, ठंडी बहुत है भाई। देख रहे हो यही है रिव्यू हमारे उदयपुर रास्ते का। दर्श भाई पहले ही दे दिए मैंने। भाई आप कुछ बोलना चाहते हो? हो गया